आरोप प्रत्यारोप लगाना एक बच्चों की तरह औरतों की तरह हमारे विधायक जी इस तरह से लोगों पे आरोप लगाते हैं। काम के नाम से तो कोई मतलब नहीं है। वो जा रही के आसपास पानी की लाइन पड़ी थी क्रिकेशन के अंदर, जब से सीवर का चार्ज ले रही है। जब चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि हम इस नाले का पूरा विकास कर देंगे, हम यहाँ पर जो है ऐसे काम करेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो। लोगों को दो घंटे पानी मिलता है सवेरे, सारी गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। नमस्कार, दिल्ली की आवाज का सिलसिला आज पहुंच चुका है ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में, और आज हम यहां लोगों की समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। उससे पहले जनता की समस्या को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कितने विकास के काम दिल्ली की जनता के लिए उनके विधायक ने किए हैं। सौरभ भारद्वाज यहाँ के विधायक हैं। इस वक्त हम सतपुला झील के बाहर खड़े हैं, और झील की जब आधारशिला रखी गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि यहाँ पर बोटिंग होगी, स्वच्छता को लेकर बहुत ध्यान दिया जाएगा, इसके अलावा डेवलपमेंट का यहाँ पर काम होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर गंदगी आप देखिए किस तरह से, इसके बाहर पूरी तरह से आप देखेंगे झील का सौंदर्यकरण तो बहुत दूर की बात है। चारों तरफ आप गंदगी ही गंदगी आपको नजर आएगी, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, और जहमत तक कोई नहीं उठा रहा है कि इस कूड़े को यहाँ से हटा दिया जाए। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में हम आए यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी समस्याएं लोगों की सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वादे बहुत किए जाते हैं, उन वादों के बाद अगर वो वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता सवाल पूछती है, क्योंकि दिल्ली में फिर से चुनाव आने वाले हैं। और 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, सौरभ भारद्वाज यहाँ से विधायक बने थे। वीरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि सौरभ भारद्वाज के सामने चुनावी मैदान में भी थे और बखूबी वो समझते हैं इस एरियो को, इन समस्याओं को। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव जब हुआ उसके बाद कितना बदलाव यहाँ पर देखते हैं। वीरेंद्र जी बताइए। देखिए, जब चुनाव होता है तो हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है, और जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो एक वो पिक्चर जनता के सामने लेके आते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे। सौरभ भारद्वाज जी ने जब यहाँ से चुनाव लड़ा विधानसभा का 2015 में, तो बहुत सारी बातें लोगों को बताई। जैसा मसलन चिराग दिल्ली बराबर में गांव है, जिस गांव से वो खुद भी हैं, वहाँ पर एक नाला बहता है। उस नाले की आप जाके दुर्दशा देख के आइए, और जो वहाँ लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं वहाँ पर, करीब जो अगर हम बात करें चिराग दिल्ली से लोग खड़े हैं वो असली ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ लाखों की संख्या वहाँ पर निवास करती है, और हजारों लोग जो है नाले के पास में रहते हैं। वहाँ गंदगी और मच्छर और इन सारे हालात के लिए जब चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि हम इस नाले का पूरा विकास कर देंगे, हम यहाँ पर जो है ऐसे काम करेंगे जिससे आपको परेशानी ना हो, लेकिन आज गंदगी की वहाँ भरमार है। पहले जब वो चुनाव लड़े थे, आज लगभग 4.5 साल हो गए हैं, 4.5 साल में वो कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन अब वो ऐसे काम, जो काम एक दो फुट ओवर ब्रिज, ऐसे काम करके दिखाने शुरू कर दिए जिससे जनता कहे भाई वाह बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल में एक भी काम किया हो तो वो बताएं आके। मैं खिड़की हसन पंचशील विहार से हूँ, और पंचशील विहार के अंदर भी एच ब्लॉक में सीवर नहीं पड़ा है। हमने इनके आरटीआई डाली थी, कंप्लेन भी करी थी, इन्होंने हमारे को आरटीआई में गोल मोल जवाब दिया था कि हमने ऑलरेडी लाइन डाल रखी है। अब हमने लोगों ने कोर्ट में केस भी डाला कि हमने इनसे कहा भाई हमारे को जो लाइन डाल रखी है तो बिल पेमेंट के दिखा दो, हमारे लाइन डाली होगी तो मत डालना, डाल रखी है तो हमें दिखा दो, क्या ये फर्जी मतलब फर्जी काम हुआ है क्या? तो हमने इसके खिलाफ कार्रवाई कर रखी है। और यहाँ जो सीवर की प्रॉपर लाइन होती है लेवल के हिसाब से, डाया के हिसाब से, डाया बहुत कम है, लोड यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंचशील बिहार का खिड़िया डीडी फल के जनता का पानी का लोड है, गंदे पानी का कोई निकास नहीं है। सीवर चार्ज ये यहाँ 2001 के आसपास पानी की लाइन पड़ी थी खिड़की स्टेशन के अंदर, जब से सीवर का चार्ज ले रहे हैं। बिजली पानी की समस्या है, ठीक है जी, पानी तो मान लो है ही नहीं, पानी वहाँ लोगों को बहुत मिलता था, बहुत पानी था, 14-15 ट्यूबवेल लगवाए थे, ठीक है जी, लेकिन अब वहाँ पे पानी नहीं है, लोगों को 2 घंटे पानी मिलता है सवेरे। अब केजरीवाल जी पानी का बिल माफ़ कर रहे हैं, जिनमें फूक मार मार के दिखाते थे वही मीटर उन्होंने ठोक दिए। कांग्रेस के टाइम में ठप्पा लग के 50 रुपये या 100 रुपये बिल आता था पानी का, अब लोग 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं पानी का। हमारे गांव का जो नाला है बिल्कुल, कौन सा गांव? चिराग दिल्ली गांव है, चिराग दिल्ली जी, और उसमें इतने मच्छर हैं, इतनी समस्या है, कभी उसकी सफाई नहीं होती, गांव में गलियों की भी सफाई नहीं होती, और सारी गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गया हमारी गली में सड़क नहीं बनी, सारी समस्याएँ हैं पूरे गाँव में, समस्या जूझ रहा है। जब विधायक साहब नहीं आते क्या?
विधायक साहब आते हैं उसी गली से निकलते हैं, उसी गली से जाते हैं, जब भी वो कुछ नहीं है। दोनों निगम पार्षद भी उसी गली में से निकलता है और विधायक भी उसी गली से निकलता है, लेकिन ये नहीं है कि वो उसको रिपेयर कराएं। टोटली करप्ट है हमारा ये MLA, और ऐसा MLA भगवान किसी को मिले भी ना। चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में फिर से, तो क्या है जनता का? इस बार जनता सौरभ भारद्वाज को ना उसकी औकात बताएगी। खिड़की एक्सटेंशन से हूँ, पानी की पाइपलाइन डलवाई थी केजरीवाल जी ने, जिसमें कि हमारा महीने में 10 या 12 दिन पानी आता है, और वो जो सड़कें पाइपलाइन डली थी जो टूटी हैं वो अभी भी ऐसी टूटी ही पड़ी हैं। वहाँ पे जो झाड़ू वगैरह मारने के आते हैं, झाड़ू वो ये कहते हैं जी मारे किस पे, इनमें पत्थरों को उठाएं या इनको गंदगी को उठाएं। अभी तक पानी की कोई समस्या वहाँ पे दूर नहीं हुई है। पानी के बिजली के बिल माफ़ करे जा रहे हैं, बिजली के पानी के बिल इसलिए माफ़ करे जा रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा तो पानी का बिल लेंगे क्या वो? सर अगर सेटिस्फिक्शन की बात है तो सर पहले UPA सरकार थी, तो सर उन्होंने जब वाटर लाइन डाली थी तो उस टाइम पर सर काफ़ी अच्छा पानी आता था, लेकिन सर जिस दिन से ये आम आदमी सर ये सरकार आई है तो उन्होंने सर क्या करो पुरानी लाइन बंद करके इन्होंने न्यू लाइन स्टार्ट करी, जिसमें सर पुरानी लाइन में सर काफ़ी मतलब टाइमिंग था कि पानी आ रहा है, और लेकिन सर जब से न्यू लाइन डाली है सर उसमें बिल भी हमारे इतना आ रहा है। सर जो इन्होंने ये जो पानी का बिल माफ़ किया है सर ये सिर्फ दिखाने के लिए किया है, जनता को बहकाने के लिए किया। मैं चिराग दिल्ली की निवासी हूँ, जो जिस उम्मीद से आज सौरभ जी को या किसी को जो हम लोग के जो विधायक है उनको जो वोट दिए थे, इन्होंने कमिटमेंट था जो रोड ठीक करेंगे, वाटर ठीक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ठीक देंगे, रोड की जो सिचुएशन है। अभी अगर कोई भी चिराग दिल्ली में जाए, अभी कोई भी एक मोहल्ले में घुस जाए, कोई भी एक गली में घुस जाए, जो दो दो महीने तक उसको खुदा हुआ रखा है, उसके पे कुछ भी नहीं है। वाईफाई के लिए कमिटमेंट था, उसके बाद जो CCTV के लिए कमिटमेंट था, जो सिक्योरिटी के लिए महिला के उनके कुछ था, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। मेरे ख्याल से जो इमिडिएटली सबको जो नॉर्मल सिविलियन जो चिराग दिल्ली के निवासी है उनको सोचना चाहिए जो क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से इस बार उनको वोट दिया जाए। जिम्मेदारी विधायक की बनती है, सौरभ भारद्वाज की बनती है, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी राय यहाँ पर रखी, अपनी समस्याओं को रखा, और एक विधायक का कर्तव्य होता है कि इन समस्याओं को किस तरह से दूर करना है। 4.5 सालों में अगर समस्या दूर नहीं हुई तो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय होता है, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, जनता जवाब देना भी जानती है। हम चलेंगे कुछ और जगहों पर, लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनकी समस्याओं को 4.5 सालों में कितना काम हुआ है। ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में हम आ गए हैं, चिराग दिल्ली के गांव में हम मौजूद हैं, समस्याएं बहुत सारी यहां पर है। ठीक मेरे पीछे सबसे पहले मैं आपको एक नाला दिखा देता हूं, यहां पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत बदबूदार, बहुत गंदा ये नाला है। इसके अलावा मैं आपको एक गंदगी दिखाना चाहता हूं यहां पर, किस तरह से यहां पर आप देखिए चारों तरफ गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कीचड़ है। लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कैसे रहते होंगे आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गांव है, आसपास रिहायशी इलाका है, लोगों को समस्याएं बहुत होती है। हम खुद यहाँ पर बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहे हैं क्योंकि बदबू इस नाले की बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग बहुत परेशान हैं इस समस्या से। पिछले 4.5 सालों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सौरभ भारद्वाज विधायक हैं लेकिन हम खुद लोगों की जुबानी जानते हैं, उनसे सुनते हैं कि कितनी दिक्कतें उनको हो रही हैं। माता जी मेरे साथ हैं यहाँ पर, आप यहीं रहती हैं चिराग दिल्ली में? ये पीछे नाला तो बहुत बदबू मार रहा है, यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग कैसे रहते हैं? बस ऐसे ही रहते हैं, मजबूरी है हमारी, कितनी बार कंप्लेंट भी कर ली है हम लोगों ने, लेकिन हमारे गांव का विधायक भी हमारे गांव का है और पार्षद भी हमारे गांव का है, किसी की जन सुनवाई कोई मतलब ही नहीं है, बस वो कागजों में फौरी जो काम होते हैं उनको करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक बच्चों की तरह औरतों की तरह हमारे विधायक जी इस तरह से लोगों पे आरोप लगाते हैं, काम के नाम से तो कोई मतलब नहीं है। एक मैं ही नहीं, किसी से भी आप पूछ सकते हो कि गांव के लिए तो अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं है, सिवाय केजरीवाल जी बोलते हैं हम तो बहुत ईमानदार आदमी हैं। चारों तरफ बाजार लगते हैं, मंगलवार बाजार लगता है, एक इधर बृहस्पति बाजार लगता है, लूटपाट स्नैचिंग वनैचिंग सब तरह की, दिन में भी दारू बंद है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा अगर यहाँ से देख सको तो यहाँ अभी भी दारूबाज बैठे होंगे। पानी बिजली भी कुछ नहीं, इस तरह से ही वो उसके तो फौरी जो फरमान इलेक्शन के सामने आके करता है कि मैं बिजली सस्ती करूँगा, आज तक नहीं किया, पहले वाईफाई दूंगा, फलाना करूँगा, CCTV लगाऊंगा, अब दोबारा से लगा रहा है, फरमान दे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक 4.5 साल में कुछ नहीं किया उसने। क्या चाहते हैं आप, सरकार कैसी हो? अब सरकार तो अब कैसी हो, सरकार बहुत अच्छी हो, मोदी की सरकार आनी चाहिए, अब तो लोगों को होना चाहिए। बहुत बदबू आती है, क्या करें, मजबूरी है, कहाँ चले जाएं, मच्छर हैं, मच्छर काटते रहे, किसे बोलें, आंटी जी के नहीं सुनते तो हमारा क्या सुनेंगे। बिल्कुल सुनना चाहिए क्योंकि यही जनता है जो जनप्रतिनिधि चुनती है। आप भी यहीं रहते हैं? बहुत बदबू आ रही है, आप तो कैसे रहते हैं? बड़ी मुश्किल से रहते हैं जी। ये जो नाला है ना, हम तो चाहते हैं इसका सफाई वगैरह हो जाए,
अच्छी तरह से काम हो जाए, जो गंदगी हो रही है उसका काम बढ़िया से हो जाए। जितना फैला रखा है आपने गंदगी, देखो आप यहाँ से लेके वहाँ तक सारा कूड़ा ही कूड़ा हो रखा है। आगे जाओगे बाजार लग जाता है, जाम लगता है, तो उस चीज़ का थोड़ा हो जाए साफ सफाई से हर चीज़ के। लत में नाले की समस्या ये हो रही है कि यहाँ पे मेरे को 18-20 साल हो गए रहते रहते, इतनी बदबू सी, इतनी गंदगी में जी रहे हैं हम, का आए दिन बीमार पड़ जाना, आए दिन परेशानी के हालत में रहना। यहाँ पे इतनी दफ़े कह दिया है कि भाई इसको पटवा दो या किसी को इसका समाधान कर दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दवाइयाँ डालने आते हैं, कोई भी नहीं आता दवाइयाँ डालने के लिए, कहते हैं दवाई डालते हैं, कोई भी नहीं आता। अपने फॉर्मेलिटी करते हैं, बिल बनाते हैं, सफाई की इतनी बार छोटा मोटा सफाई करते हैं और करके चले जाते हैं, पूरा नाला साफ हो गया, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। कितने साल से है ये नाले की समस्या? मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से तो मुझे ऐसी नजर आई है, कुछ भी सुधार नहीं है इसके अंदर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली में, ठीक मेरे पीछे आप देखिए एक बड़ा सा नाला है और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नाले की है, क्योंकि पिछले 15 से 20 साल जो यहाँ की जनता बताती है इसी तरह से इस समस्या से उसे दो चार होना पड़ रहा है। बदबू बहुत आती है, आप समझिए कि आसपास रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, कितनी परेशानी उनको यहाँ पर हो रही होगी, क्योंकि पानी बहुत बदबूदार है, हमें भी बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रही है खड़े होने में। लेकिन जनता ने सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको यहाँ से चुना था 2015 में, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद कितना बदलाव हुआ है ये आप खुद तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ पार्क के अंदर। यहाँ पर ये एक बड़ा सा पार्क है यहाँ पर, और इस पार्क की बदहाली आप देखिए किस तरह से यहाँ पर है। चारों तरफ आप देखेंगे गंदगी गंदगी, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही हो, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन सुनील जी थोड़ा सा आप दिखाएं इस गंदगी को, कितना काम हुआ है। स्वच्छता की एक बड़ी बात कही जाती है, उसको लेकर कितना काम यहाँ पर हुआ है, विकास कितना हुआ है, और चिराग दिल्ली की जनता को जो समस्याएं मिलनी चाहिए थी वो कितनी मिल पाई हैं। बहुत सारी जनता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं समस्याएं क्या है यहाँ पर, ये बताएं। पार्क में तो बहुत ज्यादा गंदगी आता है। समस्या यहाँ पहले तो ये पार्क बनना चाहिए, बहुत गंदगी है यहाँ, इतनी गंद फैली पड़ी है। देखो ये दारू पीने वाले बैठे, वो बैठे, अब दारू पी रहे, रात को जेब कतरा करेंगे सारे के सारे यहाँ, रात को लूटते हैं लोग, ना जो कोई निकल के जाता है तो मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। अब आप ये बताओ यहाँ पार्क ना बनेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। गांव में मौजूद है, पार्क की बदहाली हमने आपको दिखाई, नाले की स्थिति आपको दिखाई, विधायक कितना आते हैं, कितना विकास हुआ है ये भी समस्या हमने आपको दिखाई। कुछ और लोगों के पास हम चलेंगे, कुछ और इलाकों में जानेंगे समस्या। ये एक DDA का पार्क है और DDA ने अपनी चार दीवारी की हुई है। इस चार दीवारी की हालत अपने आप ही ब्याह कर रही है, ये पार्क अपने आप ब्याह कर रहा है कि उसकी क्या हालत है। यहाँ एक सेकंड के लिए भी आदमी, और आपने भी देखा कि खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में ही इस तरह की बीमारियाँ, यहाँ डायरिया है और टाइफाइड है, इस तरह की हर घर में बीमारियों का प्रकोप है, और उसका कारण यही है कि जो इतनी गंदगी यहाँ है और इस हाल में यहाँ मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियाँ पैदा होती हैं, हर तरह के जानवर, इस तरह से हमें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है और असुरक्षा रहती है। हमारे साथ वाले अभी मकान में यहाँ पेड़ से ही एक सांप एक मकान पे जा घुसा और उससे वहाँ इतने अफरा तफरी बची, वो तो अच्छा था कि नज़र पड़ा, अन्यथा बहुत सा नुकसान हो सकता था। इस पार्क की स्थिति आप देख ही रहे हैं, बुरा हाल है। और ये स्थिति कारण है सरकार की निगाह में, एक तो ये है कि जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं बगल में, क्योंकि यहाँ दलितों का निवास है, दलित लोग रहते हैं, कुछ सरकार ने इस चीज़ को भी सोच के, क्योंकि जो हमारे विधायक और निगम पार्षदों की निगाह में भी है पर ये यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, इसलिए इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। पार्क देख रहे हो, जो ओपन जिम भी खोले हुए हैं वो भी उन्होंने दूसरी दिशा में खोले, इस तरफ में हमारे युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए कोई तरह का ओपन जिम नहीं खोला है। और समस्या तो बहुत सारी है गांव के अंदर, आप गांव के अंदर घूम के देख सकते हैं, ट्रैफिक की इतनी समस्या, गांव के पूरे चारों तरफ चले जाओ निकलना बड़ा मुश्किल है, एम्बुलेंस हो या कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई भी वाहन नहीं आ सकता, कोई हादसा अंदर गाँव के अंदर हो सकता है, तो ये कि गाँव के अंदर से निकलना मुश्किल है, जो कि बचाने वाली एजेंसी वो भी गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इस तरह की गांव के अंदर दुर्दशा है। बिजली पानी की स्थिति ये है कि जो लोग अभी केजरीवाल सरकार हर चीज़ फ्री में करने चाह रही है, कोई जनता तो उससे फ्री की नहीं मांग रही, तो वो फ्री के दे क्यों रहा है, और जो फ्री के देने के बाद जो दूसरी एजेंसियों को जो पैसा दिया जाएगा
वो भी जनता का पैसा दिया जाएगा, वो पैसा कहाँ था, जनता की जेब से ही कटेगा। तो जनता तो फ्री की नहीं मांग रही, पर फिर भी फ्री फ्री दिया जा रहा है। ये कि जो अब फ्री देने का चांस था, जो अब 4.5 साल के बाद देने लग रहे हैं, और उससे पहले जो सरकार ने जनता से कमाया उस जनता को वापसी दे देना चाहिए पैसे जब फायदे में थी। तो आप कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत है, बिजली पानी मुफ्त देने से नहीं होगा, समस्याओं का समाधान करने से बात बनेगी और तभी दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को खुश भी महसूस करेगी। लेकिन बहुत समस्याएं हैं और उन समस्याओं को ज़्यादातर जितना दूर किया जाना चाहिए था उतना हुआ है या नहीं हुआ है, चिराग दिल्ली की जनता खुद हमें बता रही है। तो समस्याएं बहुत सारी है, स्वच्छता जो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की बनी हुई है, किस तरह से उससे दो चार होना पड़ता है ये तमाम जो यहाँ की जनता है वो बता रही है। इस पार्क में मौजूद हैं, पार्क की स्थिति हमने आपको दिखाई और खुद यहाँ पर हम लोगों से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब सफाई नहीं होती है तो खुद ये लोग यहाँ पर आकर सफाई करते हैं। आप लोग खुद यहाँ पार्क की सफाई, कोई आता नहीं सफाई के लिए? कोई नहीं आता सफाई के लिए, यहाँ पे हम अपने आप ही करते हैं। इस पार्क में कम से कम 7 साल से देखते हुए ऐसी हुए कोई नहीं आता सफाई के लिए, अब हम 4-5 संडे से अपने आप करते आ रहे सफाई, यहाँ कोई करने वाला नहीं है पूरे क्षेत्र में अपने इधर से कोई भी। अभी आपने देखा पहले पार्क के लिए वो भी हम सफाई करते हैं अपने आप, यहाँ पे गाय भैंस का बहुत गोबर पड़ा था, कोई भी देखने वाला नहीं था इसको, सबके साथ आप हम खड़े होने लायक यहाँ पर रहे हैं, ये हमारे कारण, हम बच्चों के कारण सब मिलके हमने सफाई की और हमारे युवा लोगों ने मिलके। तो आपने शिकायत की कभी इसकी, कोई आता नहीं सफाई के लिए? हमने कंप्लेंट वगैरह काफ़ी की थी, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम सब लोग अगर सफाई यहाँ ना करें तो एकदम कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सफाई आप भी करते हो? हाँ जी भैया, संडे से कर रहे हैं। हम बहुत टाइम हो गया, महीनों से ऊपर हो गया, 4-5 महीने हो गए, कोई नहीं आता यहाँ पे, कंप्लेंट भी कर दी हमने, पता नहीं क्यों नहीं आता कोई। हम खुद ही करते हैं यहाँ पे सफाई करके हम साफ करते, कोई आता नहीं यहाँ पे सफाई करने, ना ही पानी आता है यहाँ पर। भाई साहब, पानी के लिए हमें यहाँ पे इस बैनीवाल मोहल्ले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पानी तो एक टाइम आता है और आज तो अभी तो हमें 15-20 दिन से बहुत परेशान है, एक टाइम भी नहीं आ रहा। इतने परेशान है कि ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, इतने परेशान हैं, ना कोई काम हो पा रहा है, कुछ भी नहीं। और ये देखो हमारा पार्क, आप यहाँ पे पूरे साउथ दिल्ली के पार्क देखो और एक हमारा पार्क देखो। ब्याह शादियों के लिए हम लोग इतने परेशान होते हैं, कहीं पे भी हमें जगह भी नहीं मिलती है, क्या करें। तो ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार लोगों के बीच में पहुंचे थे, लोगों के समस्याओं को हमने समझा था। 4.5 सालों में सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है, वहां की जनता उनके विकास के काम से कितना खुश है। चिराग दिल्ली के लोगों से भी हमने पूछा, समझा, जाना कैसी सरकार आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता को चाहिए। फिलहाल दिल्ली की आवाज़ का कारवा यहीं ख़त्म होता है। ग्रेटर कैलाश से कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।